हाय, कैसे हो? सब ठीक है ना? मुझे लगा यार आज तुम्हारे लिए गुड नाइट नोट भेजता हूँ। मैं इसे शुरू तो बहुत पहले कर देना चाहता था, लेकिन मुझे ना वक्त नहीं मिल पा रहा था, या ये कह लो कि मैं बहाने बना रहा था। इन दिनों पहाड़ों पर हूँ, अपने गांव में। मौसम अच्छा है, यहाँ ठंड है और मुझे तो ठंड पसंद भी है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार। कभी कभी मैं छत के कमरे में जाता हूँ लेकिन बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि बारिश रोक लेती है। अच्छा, तुम्हारे शहर का मौसम कैसा है? बारिश हो रही ना उधर भी? अच्छा ये तो बताओ, दिन कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? मेरा तो पूरा दिन पढ़ने लिखने में निकल जा रहा है। कभी कभी कोई फिल्म देख लेता हूँ। एक फिल्म देखी कल, थ्री ऑफ अस, शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और स्वानंद किरकिरे। इन तीन लोगों की कहानी है। तो होता ऐसा है कि शैलजा यानी शेफाली शाह को एक बीमारी होती है जिसमें वो सब कुछ भूलने लगती है। तो वो सोचती है कि इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं अपने बचपन के गिल्ट का सामना करके आऊं। तो वो अपने पति और बचपन के प्रेमी के साथ अपनी यात्रा पर निकलती है। अब उसके बचपन में क्या हुआ था ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मूवी देखनी होगी, नहीं तो तुम्हारा पूरा मजा खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने ना इस फिल्म से एक बात सीखी। कभी कभी हमको लगता है, हम सोचते हैं कि हमें देर हो गई है किसी काम को करने में, किसी से दोबारा मिलने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जिस वक्त जिस पल ये फैसला कर लेते हो ना कि मुझे ये चीज करनी है और आप निकल जाते हो सफर पर, तो वो चीज होना शुरू हो जाती है। बात बस फैसला लेने पर की है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान है जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, कोई गलतफहमी हो गई थी किसी के साथ, तो बात कर लो यार, गलतफहमी सुलझा लो। देखो अपनी तरफ से ट्राई करके देखो, बाकी अगर नहीं भी होता तो तुमको तो रहेगा ना कि यार मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था, मैंने खुद अपनी जिंदगी में से अप्लाई किया है। जब मुझे लगा कि यार मैंने गलती कर दी थी, यहां मुझे इस इंसान से माफी मांग लेनी चाहिए, मैंने माफी मांग ली। और सुनो यार, सॉरी बोलने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता, बस दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। करके देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुनीर नियाजी साहब का ना एक शेर है, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तुम ऐसी देरी मत कर देना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई बात और नए नोट के साथ। अच्छा, तुम्हारे मन में कोई बात है या तुमको लगता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तो तुम मुझे ईमेल कर देना kahaniwalaladka9@gmail.com पर, और ईमेल में अपना हाल लिखकर बताना, अपने शहर का हाल भी बताना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं हमेशा साथ हूँ। अपना ख्याल रखना, अब सो जाओ, आराम करो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।